दोस्तों एक जीरा 15 महीने की गर्भधारण के बाद एक बच्चे को जन्म दे रही होती है। खड़े खड़े ही 5 फीट की ऊंचाई से बच्चा नीचे जमीन पर गिर जाता है। सभी माँ की कोख भरी बच्चे को शेरनी के झुंड देख रहे होते हैं, जिसमें से 2 शेरनी शिकार के लिए निकल जाती है। जन्म के समय बच्चा का वजन करीब 100 किलो होता है और पैदा होने के 30 मिनट के अंदर ही बच्चा चलने लगता है। 2 शेरनी को देखकर बच्चा सोच में पड़ जाता है, आखिर इतना छोटा जानवर कौन सा है जो हमारे करीब ही आ रहा है, क्योंकि नादान बच्चा ने अभी जंगल के जानवर को देखा नहीं होता। दुनिया में आते ही बच्चा की पहली मुलाकात शेरनी से हो जाता है। शेरनी के झुंड माँ बच्चे को घेर ले, माँ सतर्क हो जाती है, पर तभी एक शेरनी बच्चे को दबोच लेती है। माँ ने लात मारते ही शेरनी बच्चे को छोड़ देती है। तभी एक शेरनी जिराफ माँ की पीठ पर चढ़कर दबोचने लगती है। माँ जिराफ अपने बच्चे को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अकेला बच्चे को जब शेरनी पंजे से पकड़कर काटने लगती है, तब इसे समझ आया कि ये तो हमें मारने आया है। शेरनी के झुंड ने बच्चे को दबोचकर गिरा देते हैं। इधर शेरनी पीछे पड़ी माँ जिराफ जान बचाते हुए करीब 55 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रही होती है, लेकिन इस शेरनी को जिराफ की ताकत का अंदाज नहीं होता है। शेरनी जैसे जम लगाकर जिराफ की गर्दन पकड़ने की कोशिश करती है, जिराफ ने अपने मजबूदार पैरों से शेरनी को चलते हुए चली जाती है। शेरनी ने बच्चे को दबोचकर रखी हुई होती है, तभी माँ जिराफ बच्चे को बचाने वापस आ जाती है। लात से मारते हुए शेरनी को भगा देती है। बच्चा शेरनी के पंजे से घायल होकर पड़ी हुई रहती है। फिर जब अपनी माँ की साया मिलता ही बच्चा उठकर खड़ी हो जाती है। बच्चा अपनी माँ के साथ चलने लगती है। माँ अपने बच्चे को लेकर जा रही होती है, तब शेरनी फिर से उसका पीछा करती है, लेकिन इस बार बच्चा शेरनी के डर से माँ के आगे होती है। शेरनी जब माँ बच्चे की पीछा करते रहती है, दोनों ही माँ बच्चे दौड़ लगाने लगते, क्योंकि बच्चा जन्म के 10 घंटे बाद ही माँ के साथ दौड़ना शुरू कर सकता है। माँ अपने बच्चे को लेकर झुंड में चली जाती है। माँ ने बच्चे को बचाने की सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।